हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्वल को लगाते समय स्टेप बाय स्टेप उसकी क्या प्रोसीजर रहती है। तो देखिए, मार्बल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं और हर मार्बल को लगाने की जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट होती है। हालांकि काफ़ी सारे स्टेप सेम होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का जो है हमें अलग से ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे कटनी मार्बल की अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ, तो उसमें क्या है कि हमें रेशो को मिलाना पड़ता है। तो अगर रेशा नहीं मिलेगा या फिर रेशा आउट हो जाएगा तो आपका जो मार्बल है वो लगने के बाद बहुत ही बेकार लगेगा। और सिमिलर अगर मैं बात करूँ वंडर मार्बल की, तो उसमें रेशा मिलाने का इतना बड़ा इशू नहीं रहता, उसमें कुछ और चीज़ें हैं जिसका कि ध्यान रखना पड़ता है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे वंडर मार्बल को लगाते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टेप के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि जहाँ पे भी आपका स्टोन लगना है, जहाँ पे भी आपका पत्थर लगना है, तो वहाँ पर आपको पहले एरिया कैलकुलेट कर लेना है कि आपका कितनी लेंथ आ रही है, कितनी उसकी चौड़ाई आ रही है। उसी के अकॉर्डिंग ही जो है आपको मार्बल के जो थपियाँ आती हैं अलग अलग जो पीस में आती हैं उसको आपको परचेज करना है कि आपकी जो वेस्टेज है वो कम से कम निकले। फिर दोस्तों, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि उस एरिया के जहाँ पे भी आपको मार्बल लगाना है वहाँ पे उसका लेवल करवाना है। तो लेवल में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर अप्स हैं, कहाँ पर डाउन है और आपको कहाँ पर स्लोप देना है। अगर जीरो लेवल पर रखना है तो जीरो लेवल पे आप जो है मार्जिन को लेकर के चलिए, और अगर स्लोप देना है तो उसी के ही जो है अकॉर्डिंग आपको लेवल के बाद ही पता चलेगा कि कहाँ पर कितना मसाला देना और पत्थरों कितना उठाना है। तो सेकेंड स्टेप में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, स्टेप नंबर 3 में जो आपने सीमेंट के साथ जो मसाला बनाया है उसमें आपको ऊपर से पानी डालना है कि रेता थोड़ा सा बैठ जाए। इनफैक्ट उसके बाद जो है ऊपर से आप जो है कट्स मार मार के देखना है कि पानी जो है आपका नीचे तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। हालांकि जो कट्स है वो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि इसलिए मारते हैं कि पानी नीचे तक पहुँचा, लेकिन एक्चुअली वो चेक करते हैं कि पानी जो है वो नीचे तक पहुँचा है या फिर नहीं पहुँचा है। फिर दोस्तों, फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि हमने जैसे मसाला बना लिया तो उसके बाद जो है ऊपर से आपको सीमेंट डालना है। तो पानी और सीमेंट का जब आपस में मेल होता है तो सीमेंट रिएक्शन करना शुरू कर देता है। तो सीमेंट मिलाने के बाद रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद जो है आपको मार्बल की जो आपने पीसीस काटे हुए हैं उसको उसके ऊपर आपको फिक्स कर देने हैं। फिर दोस्तों, अगले स्टेप में आपको लकड़ी के मोटे बांस से आपको जो है इसके ऊपर हल्का हल्का टैपिंग करनी है। बेसिकली अगर मैं आपको बात बताऊं तो इसमें अगर आप लकड़ी का जो कम डाया की अगर बांस का यूज़ करते हैं तो उससे आपका पत्थर टूटने का खतरा जो है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो जितना हो सके आप ज़्यादा डाया का जो बांस है उसका यूज़ करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इस चीज़ का भी जो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, मैं आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जिसका कि आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जहाँ पे भी पत्थर का जॉइंट है वहाँ पे वाइट सीमेंट की फिलिंग करी जा रही है, तो इसका बेसिकली किसी को रीज़न पता नहीं रहता। तो मैं इसका आपको रीजन बताता हूं। देखिए, जो नीचे जो नॉर्मल सीमेंट का यूज किया जाता है जब जॉइंट्स को मिलाते हैं तो वहां से जो ब्लैक सीमेंट है वो ऊपर कॉर्नर्स पे आ जाता है, बहुत ही भद्दा लगता है। तो व्हाइट सीमेंट को हम इसलिए फिल करते हैं कि जो सीमेंट है नीचे ब्लैक सीमेंट वो ऊपर ना आए, क्योंकि देखिए पूरा पत्थर व्हाइट और बीच में से अगर ब्लैक कलर की लाइन अगर कॉर्नर्स पे जॉइंट्स पे दिखेगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो यही रीजन है कि कॉर्नर्स पे जो व्हाइट सीमेंट को फिल करा जाता है। और अगर आपका मिस्त्री या फिर आपका जो ठेकेदार अगर करते हुए अगर इस चीज को मिस कर रहा है तो ये पॉइंट जो आपको उसको ध्यान दिलवाना है। फिर इसमें सेकंड चीज एक और मैं आपको बताता हूं कि आप देख रहे हैं जैसे कि कॉर्नर्स पे जो कॉर्नर का जो पोर्शन रहता है यूजली वहां से जो है वहां पे जो है मसाला जो है वो मिस होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो फिर जब आपका पत्थर लग जाता है तो पत्थर लगने के बाद अगर आप देखें तो कॉर्नर्स पे जब आप ठक ठक करेंगे या चलेंगे तो वहां से आपको जो ऐसा लगेगा कि अंदर से खोखला है। तो इस तरीके से आपको कॉर्नर्स वाले पोर्शन में जो है वो फिलिंग करवानी है ताकि नीचे से एक ठोस बेस मिले, क्योंकि ठोस बेस नहीं मिलेगा तो मार्बल ही क्यों ना हो अगर भारी चीज ऊपर से गिरेगी तो वहां से जो उसकी स्ट्रेंथ है वो काफी वीक रहती है, टूटने का जो खतरा है वो भी काफी ज्यादा रहता है। फिर दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अब जब ऐसा आपका मार्बल का पत्थर लग जाए तो जहाँ से भी जिस भी रेफरेंस से आपने लेवल लिया है तो उस रेफरेंस से आपको लेवल दोबारा से चेक करना है और आपको क्रॉस चेक करवाना है कि आपका जो मार्बल है वो ठीक तरीके से लगा है कि नहीं है। दोस्तों, जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हैं, ये दो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं जिसके कि अंडर ये पत्थर का काम सारा चल रहा है और हमारे साथ ये जुड़ रखे और युवा टीम के काफ़ी अच्छे मेंबर हैं और ठीक तरीके से काम करते हैं। प्राइस वाइज और क्वालिटी वाइज देखा जाए तो बहुत ही सही तरीके से
काम ये करते हैं। तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो इनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके इनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और अगर आप इनसे काम भी करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इनसे कॉल पे बात करिए, अगर आपकी बात बनती है तो बिल्कुल करवा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये जो वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।